मैं हूं यशस पांडे, सबकी नज़र में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं समाचार की ओर। इस समय हम बैठे हैं मुगराबाद शाहपुर में और मेरे बगल में बैठे हैं नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन कपिल मुंजी, जिसको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और आपके विकास के बल पर नव नियुक्त जो चेयरमैन हुए श्री गोविंद साहू जी, आपके विकास के बल पर जीते हैं। आइए बात करते हैं कपिल गुरु से। भाई साहब, ये जो चुनाव जीते हैं आप लोग, तो ये लोगों ने कहा कि आपके विकास के बल पर जीत हुई। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। पूरे देश में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इसलिए लोगों ने यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 25 सभा पद में से 18 एक निशान पर चुनाव जीते हैं और 3 सभा पदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इस प्रकार हम चुनाव में भी और वर्तमान समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक निशान पर सभा पद भारतीय जनता पार्टी के मुगराबाद फकुन नगर पालिका में आए। और विकास की जीत है, कमल के फूल की जीत है। और हमारे जो चेयरमैन प्रत्याशी शिव गोविंद साहू थे, वो एक व्यापारी थे और व्यापारी ने एक व्यापारी नेता को ओढ़ दिया। बाकी सामने के जो प्रत्याशी सपा बसपा के थे, वो व्यापारी नहीं थे, वो माफिया दलाल टाइप के लोग थे और जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया और उनके एक भी सभासद चुनाव पे बसपा के जीत के नहीं आए। ऐसी कौन सी जादुई की छड़ी थी पूर्व चेयरमैन साहब, जो आपने चला दिया और सबको किनारे लगा दिया? जीत आपकी बहुत ऐतिहासिक जीत हुई। जीत ऐतिहासिक कमल की है और विकास कार्यों की है, और आगे भी विकास कार्यों के ही बल पर नगर का दिल जीता जाएगा, सारी जनता का दिल जीता जाएगा विकास के माध्यम से। आगे क्या योजना बनी है? मतलब जीत तो हो गई है। अब हमारे छोटे भाई शिव गोविंद जी चेयरमैन हुए हैं, अब उनसे हम लोग मिलकर विचार विमर्श करेंगे कि आगे। फिलहाल नगर में उनका विचार है कि LED लाइट के माध्यम से नगर को थोड़ा और प्रकाशमान किया जाए, सीमा का विस्तार हो, कुछ नए काम हो। बाकी तो ज़्यादा जानकारी वही दे पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो उन्होंने अपने बयान में कही हैं वो हम भी जान रहे हैं। हम भी एक नागरिक की तरह उनके साथ, जागरूक जनता की तरह उनके साथ रहेंगे और नगर का पूरा विकास हो, इतनी हमारी भी प्राथमिकताएं होंगी। नगरवासियों से क्या कहना चाहते हैं? ये नगरवासियों को कोट कोट धन्यवाद कि उन्होंने पूरा हमारे कार्यकाल के विकास को, योगी जी और मोदी जी के कमल के फूल को पूर्ण समर्थन अपना दिया कि जिस तरह देश में प्रदेश में सरकार है, उस तरह मुगरा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उन्होंने योगदान दिया। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूँ।